माई बुक्का रोटी दो, ए माई ए बाबा ए बाबा बुक्का कुछ बासी रोटी दो ना बाबा बाका बाबा ए बाबा ए भाई बुक्का रोटी देना रोटी देना बहुत भूखा है। अरे भाई हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? काय कोई शर्म आएगी, हम तो खानदानी फकीर है, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो पेट को रोटी तो चाहिए ना, रोटी तो भगवान तेरा। माए बदलवा ले, हफ्ते में 10 बार तेरी याददाश्त खो जाती है, तू जासूस से भिखारी बन जाता है। माई को डाल कढ़ाई में, मेरी बात सुन मेरे बाप, मेरी बात सुन, बहुत मुद्दत के बाद एक जबरदस्त केस मिला है, माला माल हो जाएंगे, चल मेरे साथ। क्या उठपटांग बातें कर रहा है, कौन जासूस, किधर का जासूस? आज मालूम है, आज है ना अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक बुढ़ी सेठानी सुबह अपने कार में आई थी, बोली तुम्हें तो से जाना नहीं, इधर ही खड़े रहना, आज मेरे पति का श्राद्ध है, हलवा पूरी खाने को मिलेगी और साधु चारा ना मिलेगा। मार गोली उस बुढ़िया को, हलवा पूरी चाराने पे अटका हुआ। क्या बात कर रही है, शाम को जल्दी होने वाला है यार, 3 साल पहले हो चुका उसका। लगता है वापस आ जाएगी। मैं ये क्या कर रहा था? ठग मार रहे थे यहाँ सड़क पे खड़े होके, भीख मांग रहे थे। मैं भीख मांग रहा था? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? जी नहीं, भगवान के वास्ते अपने दिमाग का इलाज कराने तो भेजा बदलवा, मैं बहुत तंग आ गया भैया। चल बातें करता है। अच्छा तू ऑफिस चल, यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कोई केस आया होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही ये कह रहे हैं, हो सकता है, नहीं केस आया है, बहुत बढ़िया केस आया है। क्या केस? एक बच्ची की तलाश करनी है, माला माल हो जाएंगे, माला माल। लवली चल। ले लो बेटा बिस्किट खा लो। नहीं चॉकलेट चाहिए। कैसे समझाऊं, चॉकलेट पार्क में नहीं मिलता। ये सेठ केदारनाथ की खोई हुई बच्ची लग रही है, ये आदमी उसको मना रहा है, वो रोती जा रही है, और उस अरे उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है, कितना इमोशनल सीन है। खा ले बेटा, रोते नहीं। हाँ ले लो, रोना नहीं, आंसुओं को कंट्रोल करो। क्या करेंगे? वही जासूसी पैतरे, उठ स्टार्ट। कैसे समझाओ बच्ची को, बेटा चॉकलेट नहीं मिलता यहाँ पार्क में, मैं रास्ते में दिला दूंगा चॉकलेट। हाँ अरे क्या करो तुम लोग, खामोश। अरे आवाज करेगा तो गोली मार दूंगा। अरे पर क्यों, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बाप की बच्ची है, दूसरों की औलाद को लेकर भागता उनके माँ बाप से लाखों रुपया वसूल करेगा? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। बलम निकल। ओके डाना। अरे अरे क्या करो। सेठ जी देखिए, दुनिया का 8वां अजूबा, जो काम पुलिस 1 महीने में नहीं कर सकी उसे मैंने 1 दिन में कर दिया। हमने आपकी बच्ची मिल गई। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? जिगर थाम लीजिए, आ रही है आपकी बच्ची। ये मेरी शांता नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। ये किसकी बच्ची उठा लाए हो? अरे क्या बात करते सेठ जी, अपनी जान को बाजी पे लगा के, डाकुओं से छुड़ा के, उठा के ले जाने वाले को बेहोश बना के बच्ची लेकर, आप बोलते किसकी बच्ची उठा के लाए? चश्मा लगा, ये आपकी बच्ची है। बेटी तेरी डैडी है ना? नहीं है। क्या बात करती है, डैडी है ना? नहीं है। नहीं है तो इधर आके बोलती नहीं, रास्ते में नहीं बोलने का, 15 मील से भगा के लाए, सांस फूल गई। हो गया ना विश्वास? सेठ जी हो सकता आप दोनों से कोई गलती हो गई हो, जरा गौर से देखिए। अरे बच्चा है, कोई बक्सा थोड़ी है जो गौर से देखे, और अगर हमारी बच्ची होती तो भागकर हमसे चिमट न गई होती। हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो। खामोश। चलो छोड़ो, फिर धंधे की बात करते। बोलो क्या देते हो उस बच्ची का? बहुत बेशर्म आदमी है ये, बच्ची का धंधा करता है। अरे उठाओ इस बच्ची को, ले जाओ यहाँ से। अच्छा हम सेठ जी कुछ मजदूरी दे दो, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, चक्कर आ रही है। गुरखा, अरे 22 रुपए ऑटो के तो दे दे। हाँ कुछ तो दो, ऐसे थोड़ी। जी साहब निकाल दो इन दोनों को बाहर। अच्छा साहब। अरे 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 अरे, ये गया सेठ जी। अरे ये चालू हो गया। माई भूखा है माई। अरे माई उधर रही, वो रहे सेठ जी। सेठ जी भूखा है। ये रहे गुरखा जी। गुरखा जी डाल दे, डाल दे, डाल दे, बीड़ी डाल दे इसमें। माई इसको ये क्या? अरे 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 अ
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, इसी घर में जाते देखा दोनों को। तो हम लोग जासूस लोग हैं, जासूस हम लोग बहुत नाम वाले जासूस। अच्छा है ना बिस्किट? हाँ बहुत अच्छा है। यही है सेठ केदारनाथ की बेटी। तुम एक बिस्किट खा लो, एक मैं खाऊंगा। सेठ जी आइए, माँ जी आइए, अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अपने वादे के मुताबिक मुझ पर आराम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी मुझसे कहे? हाँ क्यों? अरे क्यों क्या, इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल की जरूरत है? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो, ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है, तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो, ले मैं समझा, तुम्हारी बच्ची तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दिया, इसको उठा के ला, इधर तुम बोलते तुम्हारी बच्ची नहीं है। ए बच्ची, लगता है तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप है ना? नहीं है। देखा नहीं है? नहीं है। तो इधर आके बोलती, रस्ते में नहीं बोलेगा? 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ है ही नहीं। चलो मान लेते कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो कुछ लेन देन करके इसको रख लो, तो मामला भी खत्म हो जाएगा और अपना भी कुछ काम हो जाएगा, तो दे देते तो। गोरखा काहे के लिए साहब? अभी बताता हूं। अच्छा आया आ रहा, तो उसको बोलना खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? इनको। तुम फिर इधर आ गया साहब, ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ के जाएगा साहब। ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा, पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चलो चले बाहर निकल। माँ भूखा है, कुछ खाने को दो ना। शर्म नहीं आती, इतने हट्टे कट्टे आदमी को भीख मांगते हो? हट। मैं नहीं, हट भगवान करे तो टायर की तरह फट। माँ भूख लगी है। ओहो याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माँ बाबू भूख लगी। अरे क्या आदमी है यार ये बाबू, 20 साल से जब भी याद आ जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता है। कुछ तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस, ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई, परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है, परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी खोपड़ी याद करो बीच में। माय अच्छा फिक्र मत कर यार, तू क्या बोलता है मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमकेगा, अपनी तो अपनी जवानी में नहीं बचपना चल रहा है 20 साल से। किधर है यार तू, अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके? मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया, जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया। म्युनिसिपैलिटी से पानी भी नहीं है? नहीं है। तुम म्युनिसिपैलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो, भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे चक्कर आ रही, लगता है मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है चले वहाँ पर। होटल तो है चले वहाँ पे। पैसे किधर हैं? लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा, बदले में खाली क्या 2-4 डंडे खाएंगे। तो चल तो सही। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू
सेठ का पैसा बोलो नी। साहब का 5 रुपए लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, केमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चकरोज, बिरयानी, बुना कुछ, मच्छी, बदकरी, मटमा, वटो, चापनो, चिकरो, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बनरस, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी पूरी, गुर्दा। बस बस, क्या भिखारियों की होटल है। एक काम, दो दो प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगता है? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली बार तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर। रिपोर्ट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो ले लो। अरे किधर से ले लो, कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहना चरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280 है, तू 3280। आगे कितना होता है? आगे मेरे मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है हवलदार साहब? ये सेठ बेईमान है, मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। हमने बिस्कुट है। अंधा अंधा। अरे हम अंधा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था याद है ना? 30 रुपए खाने का, 70 रुपए वापिस लेने का है, याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया। फिकर काहे को करता है सेठ यार? पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार, है पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार जरा पैसा देने बोलना। ए सेठ, इसका पैसा दो यार। पैसा दो। अरे तुम दो ना यार। मैं पैमान है, रिक्शा पकड़ना तो। ए माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया तुमसे। अरे सेठ क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई कर दो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 2500 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो, मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर। हाँ जी हाँ जी। हेलो, क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के झोले देखा है? रामगढ़ के झोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट। अपना डुप्लीकेट था? नहीं बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्कुट देने यार। बिस्कुट? दुकान खाली करो मेरी, ले बिस्कुट ले। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक सड़ा हुआ है। अच्छा,
तो दो देना। हाँ? अरे राम, ए राम, अरे माय माय बुका माय यार। अरे तू तू किधर से? अरे यार तू कहाँ गायब हो जाता है? मैं कौन कौन सा धंधा ढूंढ के लाता हूँ और तू सड़क पे भीख मांगना शुरू कर देता है। लानत भेज, मैं नहीं करता धंधा वंदा, और लानत है तेरे ऊपर और लानत है मेरे ऊपर। 20 साल से मैं एक लड़की नहीं ढूंढ सके, भीख मांगने की नौबत आ गई। मालूम है मैं कबूतर के चने चुरा के लाया हूँ, कितने कबूतर मुझे मारने दौड़े थे। जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। अरे नहीं यार, खुदकुशी का नहीं, अब तो ऐश करने का, मुर्गी उड़ाने का टाइम आ गया है। ये देख बस करना, कितना नहीं, नहीं, क्या धंधा ढूंढ के लाया हूँ। अखबार में खबर छपी है, शहर में गुंडों का राज, गुंडा टैक्स से दुकानदार परेशान। ये गुंडा टैक्स मतलब? मतलब हफ्ता हफ्ता, आजकल लीडरी के बाद सबसे सॉलिड धंधा ये गुंडा हफ्ता। अच्छा मतलब तू अभी गुंडा बनेगा? नहीं नहीं, तू गुंडा बनेगा भाई। मैं? हाँ? तेरा दिमाग खराब है, मुझे को गुंडा समझेगा? मुझे तो छोटे छोटे आते जाते बच्चे मारते रहते हैं। कल देखा नहीं एक बच्चा जिसकी नाक बहरी थी, मैं ऊपर कोच के चला गया। नहीं नहीं नहीं, ये काम मैंने